चल। चोर चोर चोर, पकड़ उसको चोर। अरे क्या हुआ अम्मी? वो मार्ट मिले में चैन खींच के भागे, पकड़ उसको। उसकी इतनी हिम्मत? खैर बेटा, आयशा तुम्हारे को पकड़ के अब तुम्हारी नानी और दादी याद दिलाएगी। हाँ तो कामयाब हो गया, जान छुटी हो ऐसे ही से। हाँ भाई, फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। अम्मा क्या तुम हो रहे भाई? वो लेडी सिंह हमारी भाई पीछे। अरे भाग रहे अम्मा। अरे इसको इतनी जल्दी खबर कैसे मिली रे? अरे भाई तुम खबर के बारे में सोच रही? मेरे को तो खबर सामने नजर आ रही भाई। अब क्या करेंगे रे? और तेज भागेंगे। भाग भाई, मुड़ मुड़ गली मुड़। अम्मा इन्हें दबंग है क्या सिंघम है भाई? अरे लगता है दोनों प्यार है। रुको 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 रुको, मैडम मैडम सब कुछ ऐसा नहीं, गाड़ी तुम पुलिस स्टेशन आके लेके जाओ। ठीक है मैडम। अरे भाग रहे। अरे अम्मा तेरे पाँव पर छोड़ दे अम्मा। भाग भाई भाग, बस मैं जल्दी चढ़ भाई। भाई मैं तो चला, इंदर तो फिर भी लूंगा। भाई तू तो गया, कितना बोलता था तेरे को भाई। तू और के रनिंग कर लेंगे तेरी तो। अरे बस को रोक रहा। अरे अरे बस को रोक रहा। अरे अरे ड्राइवर तो अपनी गाड़ी रुका रहा है। अरे अरे ऐसा नहीं करा मैं भाई, बैगन से मिल जाता। कौन बचाता क्या है? अब ये लो। अरे नकली छेना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? नकली है तो ये हाल, असली है तो सीधा फांसी पे चढ़ा देती ने। असली हो या नकली, चोरी तो चोरी छोटी, और चोरी मेरे इलाके में हरगिज मंजूर नहीं होती। शेरू शेरू मेरा लाल, मेरा बच्चा, किस में इतनी हिम्मत है मेरे बच्चे को यलाने की? अम्मा मैं यारू। शेरू देख तेरे लाल को लाल लाल कैसे कर दिए। बच्चा क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? कौन करे ये हालत मेरे बच्चे की? निकाल निकाल मेरे बच्चे को बाहर। किसको बोल रही है? बच्चे के सामने जमान चला दी। बच्ची बहुत बकबक करी ना, देर को भी अंदर डाल दूंगी। तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पे? बाप का नहीं, बेटी का राज है। इंस्पेक्टर है ये एरिया की। बहुत हुआ तो मैं क्या करूँ? क्या मैं मोहल्ले में जाके मिठाई बांटू? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, ए पहले बाहर निकाल मेरे बच्चे को, निकाल बाहर। कैसा निकालते? चोरी की है तेरे बेटे ने, चेन चुराया है मेरा। इन बहुत दूर की परी है, अब भी जवानी में कदम रखे इन। बॉलीवुड की हीरोइन है जैसा, मेरा बेटे इनका चैन चुराया करते। वाह, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं वो चैन की नहीं बात कर रही हूँ, गले में की चैन की बात कर रही हूँ। जरा भी शर्म नहीं आती तेरे बेटे को चोर बनाते हुए? ए जबान संभाल के बात करना, मेरे बेटे को चोर और मेरी परवरिश को नाम नहीं रखना बोल दे रही हूँ, खबरदार। क्या करती कि मैं भी देखती हूँ। जबान जबान खींच लेती हूँ। जबान खींच लेती? खींच कैसे खींचती कि देखती हूँ? चल खींच, मैं भी देख लेती हूँ। खींच, ज्यादा उचकाने की जरूरत नहीं है बोल दे रही हूँ, तो हल्लक में हाथ डाल के खींच लेती हूँ जबान। खींच चल खींच, कैसे खींचती बोलने का? खींच चल खींच खींच। शब्बू
अच्छी हूँ रे, तू कैसी है? बोल आए तो ठीक हो, तू कितनी बदल गई रे। और तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी छे तू। फिर काई को नहीं पहचानी रे तू? चल बैठ के बात करेंगे। चल 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 बैठ जा। और सुना, इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं कहाँ जाती हूँ रे, यहीं पड़ी हुई हूँ और क्या। समझ गई, घरदार संभालते संभालते आधी जवानी निकल गई। सच्ची बोली बाप, आधी नहीं पूरी जवानी जाती। अच्छा और बता, मेरा क्या है? मेरे उन्हों तो कब की अलामिया को प्यारे हो गए। अयो, अब मेरी जिंदगी यही छे, मेरी बेटी आयशा। याल्ला कितनी प्यारी है ने, किसी की नजर नहीं लग रहा है। आयशा ये मेरी बचपन की सहेली तबस्सु, प्यार से हम लोग इसको तब्बू कहते। तब्बू। और सुना, मेरे पास क्या है रे सुनाने को? मेरे इनो भी जल्दी अलामिया को प्यारे हो गए, और एक ये नालायक को लेके जी रही हूँ बस। अम्मी चुप बैठ। अम्मी कहते अम्मी, नालायक कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, चोर बन के बैठा हुआ है। अरे जाने दे छोड़, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ ठीक होता, मेरा भी वही हाल है। कितने अरमाना लेके बैठी, बच्चे के हाथ को मेहंदी लगेंगी, धूम धाम से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कई कुछ ऐसा रिश्ते नहीं आ रहे क्या कोई भी? आ रहे रे। फिर? लेकिन ये ठहरी इंस्पेक्टर, वो भी मर्दानी, इसको देख के कोई भी शादी करने के वास्ते आगे नहीं आ रहे। शबू तू बुरा नहीं माने तो, मेरी नजर में एक रिश्ता है। ऐसा? हाँ। कौन है रे? मैं इस दाइन से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ऐसा नक्को बोल बेटा, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता? तुम्हारे को नहीं मालूम, उन्हें मेरे को भिगाओ भिगाओ को मारी। अगर उससे शादी कराना, वो सीधा मेरा एनकाउंटर कर देती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, तुम खामो खा के डर रहे। एक इंस्पेक्टर होके चोर से शादी करूं? अरे तू शादी कर लेके उस घर में गए, उन्हें चोरी काई को करता? तू इस देखी ना, उसका बेटा चोर होने के बावजूद वो उसकी कितनी तरफदारी कर रही थी। जरा सोच, तू भाव बन के उस घर में जाएगी तो तेरे को कितना प्यार मिलेगा। अम्मी तुम नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रही रे, क्या समझू मैं, क्या समझू मैं, बोल क्या समझू मैं। अजी अम्मी, उससे शादी करने से तो मर जाना बेहतर है। या अल्लाह, मर जाना, मरने की बात कर रहा तू? कान खोल के सुन ले तू, अगर ये शादी नहीं होगी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। धमकी दे रहे, चलो चलो साथ में मरेंगे। अयो कितना तो भी समझाऊ इसको। क्या मारा रे पिंडे की, मेरी हड्डी पस गया, ये कर दिया। बर्दाश्त करना पड़ता भाई, अब के बार मिला ना दो पर ज्यादा मारना। तेरा क्या जा रहा रे, मार तो मेरे को खाना है। एक काम करेंगे, क्या सीधा पर्स मारेंगे, इतना बिल्डअप कहीं को दे रहे। अबे थाली के बैगन, अगर सीधा पर्स मारे ना तो पकड़े गए ना, हड्डी फसलिस नहीं रहती रे। अगर ऐसा मारे ना तो पैसे का पैसा और हीरो का हीरो रहते, और कोई भी यकनिश नहीं करेगा अपन चोरे में, समझा? बस दो तीन मारा सह लेना। प्लान तो अच्छा है भाई, लोगों के जूते खाने से तो अच्छा बिरला के तो झपड़ खा लेना। ये लो 2450 रुपये, ये और एक सोने की चेन। अब बोलो, अब बिरयानी खाते या पाया खाते? दवाया खाते, बहुत दर्द हो रहा है। मैडम उसका एनकाउंटर करने गए, क्या हाल होता कि उसका? अब मैं अब बीच बताती हूँ क्या हालत होती होंगी वहाँ पे। मैडम ऐसा गए होंगे जाके उसके सर पे बंदूक लगा के। हाँ? अरे मैडम आ गए, क्या हुआ मैडम, इनकाउंटर हुआ? हाँ हुआ, उसका नहीं मेरा। मतलब दरवाजे का खटका खुला रख दिया, अब भागने में आसानी होगी। जल तू जलाल तू आई बाला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बाला को टाल तू। या अल्लाह ये घूंघट मेरे कफन जैसा दिख रहा, अब मेरा क्या हाल होता है क्या? नहीं क्या रे साले, तू मेरे से शादी करता और मेरे साथ सुहाग रात मनाने आता, तेरी इतनी जुर्रत? गलती होगी मैडम, गलती होगी, माफ कर। पुलिस वालों का नहीं, गलतियां माफ करने का एक ही तरीका होता। खाब में चिन पसीना पसीना करते, सही बात तो, बाप रे बाप। शेरू। हाँ अरे बेटा शेरू उठ गया तू?
देख उड़ते उड़ते तेरे लिए खुशखबरी लेके आ गई मैं। अरे अगले महीने 4 तारीख को तेरी शादी की तारीख तय हो गई। क्या? हाँ? और सुहागरात? वाह 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 वाह, शादी कर ले बेटा, बोलते नको 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 नको। अब कही की शादी की तारीख तय हो गई, बोलते पहले सुहागरात। वाह 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 वाह, ये तो वही बात हो गई नहीं, घर में गुड़ नहीं है मगर मक्खियाँ आ गई कते। अम्मा वो बात नहीं है। हाँ, क्या तुम नहीं समझोगी? अब्बा अब मैं नहीं समझूंगी। नहीं खैर सब छोड़ो, मेरे से एक वादा करो। वादा? कहीं का वादा रे, बोल। वो क्या है कि अम्मा? अरे क्या है बोल शेरू। वो मेरे सुहागरात पे। हाँ सुहागरात पे, मेरे सुहागरात पे। तुम भी आओ मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगता है। नालायक बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? उठ, बहुत काम बाकी है अभी। और सुन, तेरी सुहागरात उसी दिन रात को है, यानी 4 तारीख की रात को। नालायक कहीं का की। 4 तारीख को यानी मेरी मौत की डेट फिक्स होगी, समझो। उस दिन मेरा क्या हाल होता है क्या ही? बेटा शेरू अब तो तू खुश है ना? हाँ हाँ हाँ। देख बेटा शेरू, बोल दे रही हूँ, आइंदा ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। हाँ तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा रे? ये मेरे को कैसा मालूम हुआ? बल्कि सोच रहा मुनीर आके सब सुनाया मेरे को। अजी अम्मा ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये मेरा वादा है। वादा है? हाँ कर वादा। ये लो। देख बेटा मेरे को यही छोड़ना। और एक बात, अगर कोई लड़की तेरी जहन में है तो पहले आके मेरे को बताना, वो इस लड़की के साथ में तेरी शादी करा दूंगी। ठीक है? ठीक है। तू खुश रहना बस, आराम से बेटे, आराम से। बस बेटे बस, बहुत हो गया, नौकरी विक्री बंद। अब ये नौकरी को इस्तीफा देना होगा। अरे अरे क्या अरे, तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। पहले तो तेरे से डर के कोई भी लड़का तेरे से शादी करना ही नहीं चाह रहा, अब तो तेरे पे जानलेवा हमला हुआ, ये जानकर कौन तेरे से शादी करेगा, बोल। अरे अम्मी बात को कहां से कहां लेके जा रहे, छोटी सी बात है ना। छोटी सी बात? छोटी सी बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। शुक्र मनाओ उस शेरू का। अब ये शेरू कौन है बीच में? अरे इतनी जल्दी भूल गई, जिससे तेरी शादी होने वाली थी, तब्बू का लड़का शमशेर। वो उसे प्यार से शेरू करके बुलाती, तेरे लिए तो वो फरिश्ता है फरिश्ता। आयन वक्त पे वो तुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता तो मालूम नहीं क्या हाल होता। अल्लाह उसको हर खुशी दे, उसकी हर मुराद पूरी अदा करे। आमीन सुमा आमीन। ऊपर वाले ने भी क्या खेल खेला, जिसे तू चोर बुलाती थी, जिसे तू इतना मारा पीटा, जिसे तू शादी इसने करना चाह रही थी, उसी ने आज तेरी जान बचाई। इस बार तो शेरू ने तेरी जान बचा ली, बार बार कौन बचाएगा बोल। इसलिए बोल रही बेटा ये नौकरी छोड़ दो, तेरी शादी भी हो जाएगी और जान का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। देख बेटे मेरे खातिर, मेरे खुशियों को खातिर ही ना तुमने ये शादी को हाँ बोला, अब मेरे खुशियों के खातिर तुम ये नौकरी छोड़ दो। बोल बेटे छोड़ दे। ठीक है अम्मी छोड़ दूंगी, खुश। तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। भाई 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 एक खुशखबरी है। क्या? वो लेडी इंस्पेक्टर ना सिंगम, वो इस्तीफा दे रही है। क्या? सुना था ठोकर लगे तो अकल आती बोल के, मगर लगता है इसके सर पे माल लगा तो अकल ठिकाने आ गई। हाँ भाई अपन अपना धंधा फिर से शुरू कर सकते हैं ना। हाँ बिरला से पंगा तो टाटा बाय बाय होता। उसका इस्तीफा अपना मुनाफा भाई। साई बोला रे। आपकी खिदमत में यह गुलाम हाजिर है, फरमाइए आपको कहाँ जाना है? बस वो मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी। अरे ये तो वही बात हो गई, ये देखिए मैं क्या हूँ, पूछे ना कोई क्या कर रहा हूँ, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मंजिल तक पहुँचाने तैयार मैं खड़ा हूँ, खिदमत का मौका दीजिए, ऑटो चला रहा हूँ। वाह 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 शुक्रिया शुक्रिया।
अब आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ शेरू जी। शुक्रिया 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 कह रही थी मैं, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मेरे लिए तो आप फरिश्ता हैं। क्या? ऐसा मेरी अम्मी कह रही थी। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है तो आप भी मेरे लिए फरिश्ता है। फरिश्ता नहीं, फरिश्ते से बढ़कर है आप, क्योंकि पहले आपने मेरी जान बचाई, ऐसा मेरे अम्मी भी कह रही थी। इसके वास्ते आपका भी शुक्रिया। गुस्ताखी माँ, आपका मंजिल कहाँ पर है? नाम बली, मेरी कांस्टेबल हीना की शादी में जा रही हूँ। ओ हीना, वही ना जब आप मेरे को पीट रही थी, हाथ पे पैर रख के ठहरी सो। जी वही। तो फिर आपकी कब है? जी आपने सही सुना, मेरा मतलब आपकी शादी कब है? क्या करे, कोई मुझसे शादी करने के लिए आगेश नहीं आ रहा। इसके वास्ते मैं नौकरी छोड़ने का फैसला भी करी हूँ। क्या क्या हुआ? इतना बड़ा झटका दिया तो ऐसी छोटा। आपकी शादी का क्या हुआ? मेरा मतलब है आप कब कर रहे शादी? अब एक चोर से कौन शादी करेगा बोली? इसके वास्ते ही अब मैं ईमानदारी की बिरयानी खा रहा हूँ, देखेंगे अब कौन आते है की। बस 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 यही। जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। थप्पड़ मार के भी दे सकती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता है मैडम, प्यार से लगता है। ये लीजिए। मगर एक शर्त पे ले तू। क्या? आप अपनी ड्यूटी मत छोड़िए, आप जैसे ईमानदार ऑफिसरों का इस जमाने में सख्त जरूरत है। ठीक है ये लीजिए। जी शुक्रिया। ए, जल्दी जल्दी अपना हफ्ता निकालो। तुम लोग क्या समझे हम लोग नहीं आएंगे? हम लोग तो छुट्टी पे गए थे। क्यों रे? छुट्टी में थे? छुट्टी में जरा ना था, अब तुम्हारी छुट्टी छोने वाली है। जरा उधर तो देखो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुम लोग बिना कुछ बोले यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि मैं किसी और के चक्कर में पड़ी हूँ। इतनी जल्दी हमारे मार को? एए, उसी मार की वजह से ही ना, हाय मैं मर गई और तुम लोग जिंदा हो। नहीं तो तेरे अंदर इतने छेद करूंगी कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि तेरे अंदर कितने छेद हैं। हाँ भाई हाँ, ये लेडी दबंग हो गई। जब तक तेरे अंदर छेद ना करूं, शायद तू यकीन नहीं करेगा। तू तो कह रहा था उन्हें इस्तीफा देने वाली थी। भाई खबर पक्की थी। अगर खबर पक्की थी तो उन्हें कैसे आई रे? मालूम नहीं भाई, लगता है उसको सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मालूम था, इसलिए उन्हें अपने ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चुप! मामला कुछ गड़बड़ सा दिख रहा भाई, उसके तेवर उसके अंदाज कुछ बदले बदले से दिख रहे मेरे को। हौरे, हम लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला करे फिर भी उसने हमको छोड़ दी। अगर वो चाहती तो वो हम सब पे गोलियां बरसा सकती थी, मगर नहीं बरसाई। जरूर मामला कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए। वाह कितनी खूबसूरत है, देखिए ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कौन है लड़की? जिनका नाम आयशा है, इनके माँ का नाम शबनम है, इनके वालिद नहीं है। ये बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। देर किस बात की, आप रिश्ता आगे बढ़ाइए। मगर एक बात है जी। क्या बात है? अम्मी फिर शुरू हो गया क्या? मोइन जी अब किस रिश्ते के पैगाम लाए? ये देखो बेटा। इस रिश्ते को पक्का कीजिए। अरे ठहरो, इस लड़की के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे अम्मी मुझे मालूम है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या
क्या मोइन जी, मेरा बेटा सही कह रहा है? जी मैं वही बताने वाला था, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए आज तक कोई लड़के इनको पसंद नहीं करे। और एक बात, इनकी शादी होते होते रुक गई, पुलिस वाली होने के नाते ये बहुत सख्त है। शायद आप उसके सख्त मिजाज को जानते हैं, मगर मैं उसका नरम मिजाज भी देखा हूं और मुझे वो पसंद है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। आप इस रिश्ते को पक्का कीजिए। फिर आपका क्या ख्याल है? लव एट फर्स्ट साइट है, अब हम क्या कर सकते हैं? आप रिश्ता आगे बढ़ाइए, क्या बोलते बेगम? जैसे आपकी मर्जी। दूर जो मुझसे रहते हुए भी मेरी हमदम लगती है, उसके रुख रोशन के आगे चांदनी मध्यम लगती है। देखो हमारे जुबाए उल्फत, आज कुछ काम तो आया है, जान हाजिर है जिसके खातिर, उसका सलाम तो आया है। आलम में तुझसे है कशिश, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, मेरा वजूद तुझसे है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। आखिर निभाना ही पड़ेगा दिल को वफाओं का उसूल, तुझ पे लुटा दूं जान भी। कर ले सलाम मेरा कबूल। क्या आप सही बोल रहे मोइन जी? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। आशा सुन, हाँ? एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, लड़का MBA है, NRI रिटर्न है, और तेरी नौकरी से उसे कोई एतराज नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता अपने को मिल ही नहीं सकता। अम्मी मेरे को शादी वादी नहीं करना है। क्यों बेटे, क्या हुआ? देख बेटे, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं, मैं भूल नहीं सकती, और आप ये शादी वादी का ख्याल छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे आयश सुन, या अल्लाह क्या करूं इस लड़की का। क्या हो रहा है यहाँ पे? ए हटो, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आंटी, आंटी क्या हुआ कि अचानक चलते चलते गिर गए? आंटी अरे कोई पानी तो लाओ। अरे थोड़ा पानी लाओ। रे लो मैडम। आंटी उठिए, आंटी जी देखिए देखिए, उठिए उठिए। अरे खाला को हाथ लगाओ। रे उठो उठो उठो, जल्दी उठो। आराम से। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? चलते चलते बेहोश हो गए थे, अच्छा हुआ मैं उधर से गुजर रही थी। मगर तुम? जी मैं आपसे मुलाकात होते होते बच गया, और भाई फंस गए थे। खैर मैं अम्मी का मुंह बोला बेटा हूँ, मुनीर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज अगर वक्त पर तुम नहीं आती तो। कुछ नहीं होता, आप पहले आराम करिए। कहाँ गए नो? अम्मी की परवाह नहीं करे, तरकारी के औसे ऐसी बाहर भेज देते, जरी भी शर्म नहीं आती इनको। हुँ? आने दो। अरे उसको प्यार मोहब्बत से फुर्सत मिली तब ना। क्या क्या? हो माँ, भाई किसी पुट्टी के साथ आशी क्या कर रहा, उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा, और अभी भी शायद उसी के साथ ही लगा हुआ होगा। या है तो उसके ख्यालों में रहता है, या नहीं तो उसके साथ रहता है। उसको मैं पहले से ही बोल के रखी थी, अगर तेरे को कोई लड़की पसंद है तो मेरे को आके बोल, उससे शादी कराती हूँ बोल के। दोस्तों को बोलने आया, अम्मा को बोलने नहीं आया उसको। आने उसको अभी। क्या करते आए तो? क्या करती हूँ बाबा, आए तो पसंद की लड़की से शादी कराती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई बोल के, नहीं तो ये कमीना राज खोलते ही नहीं था कभी भी। तुम आ गई, राज खुल गया अभी। अब्बा आज मैं बहुत खुश हूँ, बस उसकी शादी कर दूं, तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिल गई तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। इनके जैसी ही बहू मिलेंगी अम्मी आपको, आपका ख्याल रखने वाली और भाई को डांटने वाली। तेरे मुंह में घी शक्कर। आंटी जी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है,
अच्छी बात है बेटा, शब्बो को मैं याद करी बोलना, उसको मेरा सलाम देना। जी आंटी। फोन पे बोल दो ना। अरे तू चुप बैठ, हर बात में बीच में आते रहता बस। आंटी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करो। मुनीर कितनी अच्छी बच्ची है रे, किसके घर की बहू बनती की क्या नहीं की। पतंग अद्दे से पेंच लड़ा था भाई, ये लो साले, मेरे खिलाफ आवाज उठाता और बारियल शेर को बुलाता। बुला रहे साले शेर को। वो कौन शेर है मेरे को नहीं मालूम भाई, माफ कर दो भाई को। नहीं रे मेरे को वो शेर ही जो ना, वो कौन शेर है कि क्या करता है कि मेरे को नहीं मालूम। शेर सो रहा हूँ ना, उठा उठा रे। उठ, अरे उठ। क्या रे, कहीं कुत्ते भी उठा रहा भाई? वो बिरला फिरा गया। हफ्ता कहाँ हुआ रे? वो नहीं मालूम, अपने वहां से चाय आऊंगा। अब तो 7-8 पर्स मार नहीं चाहे, यानी 7-8 घुसे फिर खाना पड़ेगा। शेर शेर, कल आया आज क्यों नहीं आ रे? मैं ऐसी पुकार रहा हूँ, ऐसी जा गया भाई। कौन है रे वो साला शेर? बुला। आज 8-10 पर्स मार नहीं मारना है। बिल्कुल, कल बुलाया तो आया, आज कहीं को नहीं आया रे साला। हाँ? मामला गर्म तो चुपके देखेंगे। चलो भाई, ये पेट में मुंडी डाल दो भाई। भाई मामला बहुत गर्म दिख रहा। जाओ जाके पर्स मारो। ऐसा अभी जा तू। अरे भाई जबरदस्त मौका है हीरोगिरी करने का। बिल्ला भाई तलवार भी निकाले, अब हम आराम से चोरी कर सकते। अरे जा भाई जा। दवाएं मैं लेके आता हूं। और दवाएं तो क्या, तेरे को दवाखाने में भी एडमिट करा तू। अगर तू मर गया ना, तेरी खबर को भी अच्छी तरह सजा तू। इन्हें तो गया काम से, अब इसे कौन बचाता क्या की? अरे बाप, ए छोड़ो रे, किसकी मौत पुकारी? लग रहा है लेडी सिंगम है भाई, अजय देवगन की बहन दिख रही। बैठो क्या भाई को मार दी रे? नहीं तो क्या, राखी बांधू हराम खोर। ए आखिर तू हाय कौन रही? अबे टकले, वर्दी देख के मार खा के भी पूछ रहा? कोई बात नहीं रे, तेरी जानकारी के वास्ते मैं बता दूं, मैं इसी एरिया की नई एसआई आयशा हूँ। एसआई? तेरे को मालूम मैं कौन हूँ? मेरे को मालूम तू कौन है। तू एक लुच्चा लफंगा गुंडा है, और तेरे जैसे लोगों को मारने के वास्ते आधार कार्ड पैन कार्ड पूछने की जरूरत नहीं होती रे। एए, खत्म करो साली को। शेर शेर बोलता था ना, वो शेर नहीं, शेरनी थी। हाँ।
मैडम पहले आप उस पॉकेट मार को पकड़ो जो हमारी सारी मेहनत को एक झटके में लेके जा रहा। अरे हाँ जी, कल इतना लफड़ा हो रहा था फिर भी मेरी चेन मार ली। भाई बात तो तुम्हारे ऊपर आ गई। मैडम जी, उन लोगों का तो फिक्स अमाउंट है मगर वो साला जितना मिला उतना लेके जा रहा। हाँ बहुत परेशान करके रखा है, आप पहले उसको पकड़ो साहब। अबे ओ पिक पॉकेटर, मेरे को मालूम तू यही चुंगा बोल के। गौर से सुन ले, आज से इस एरिया में ना चेन स्नैचिंग होगी, ना ईव टीजिंग होगी, ना पिक पॉकेटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा बोले तो मेरे को कॉल करो, मेरा नंबर है 9440782876। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। मुबारक हो बेटे। शुक्रिया अबू। अरे रे चलो चलो दूसरे काम भी है, चलो ना। चलो बेगम। अंकल अंकल दुल्हन के सहेलियां बुला रहे। चलो 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 जल्दी चलो। रुको रे, तुम लोगों को नहीं मेरे को बुला रहे होंगे। चलो मैडम वक्त हो रहा। अरे अब किसका फोन है? चलो मैडम। हेलो। ए सब इंस्पेक्टर, मैं बिरला बोल रहा हूँ। क्या रे बोल। तूने तो हमें छोड़ दिया, मालूम नहीं क्यों, मगर हम वो गलती नहीं करेंगे। मतलब? अरे तू इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना तुझसे, मैं इस जन्म में तो तेरी शादी होने नहीं दूंगा। और तू शादी का जोड़ा पहन के कूदरी। मैंने तेरे दूल्हे को उड़न छू कर दिया हूँ, अब तेरे को जो करना है कर ले, मगर इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताकि इस दुनिया में तेरे से कोई भी शादी ना कर सके। समझ गई ना तू? मारो साले को। क्या हुआ मैडम? उस बिरला ने दूल्हे को फिर से किडनैप किया। किडनैप? और इस बार उसको मारना चाहता है ताकि कोई मुझसे शादी ना कर सके। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मैडम? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों क्या हुआ? तो किसको किडनैप किया होगा? किडनैप? हाँ वो बिरला है ना गुंडा, उसने मैडम जी को कॉल करके बोला कि उसने दूल्हे को किडनैप कर लिया है। अरे दूल्हा तो आपके सामने है। उसने शेरू को किडनैप किया होगा, सिर्फ शेरू ही जानता है मेरी शादी रोकने के लिए बिरला क्या करने वाला है। अब शेरू की जान खतरे में है। Come on यार, कौन कहां जाए, अपने को क्या लेना देना। नहीं मेरे को जाना है, शेरू की जान खतरे में है। अरे रुको। अरे तू कहीं को दूल्हा बन के फिर रहा रे? तेरे को हौला बनाने के वास्ते रे। मेरे को हौला बना के तेरे को क्या मिलता रे? हौले सुकून मिलता रे, दिल को तसल्ली मिलती। बोले तो अब तक आयशा की शादी हो चुकी होती और मेरा मकसद पूरा होता। तू तो उसका दुश्मन है ना रे, फिर खाली पीली कई को रिक्शा लेके दूल्हा बन के फिर रहा। दरअसल मेरा मकसद उसको मारने का था, खाली पीली मर जाता था ना रे। मत पूछ मेरे सबर की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम तेरी जहां तक है। मेरे प्यार की जीत होगी या ना होगी अब मैं भी देखूंगा, तू जालिम कहां तक है। बना बना के दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो तुझ में पाई जाती है। जब उनकी महफिल में हम अजनबी आ जाते हैं उसी दम एक शम्मा जलाई जाती है, शम्मा जला के बुझा भी देते हैं वो, धुओं के सिमतों की उगली उठाई जाती है, आने वालों को धुआं दिखाया करते हैं और कहते हैं आशिकों की यही हालत बनाई जाती है। मतलब तू उससे प्यार करता है? हो। अरे बेखूफ
कुछ ही पलों में उसकी शादी होने वाली है और तू है कि उसके प्यार के बातें कर रहा। अरे तेरे जैसा आशिक मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा और देखेगा भी नहीं। ये तो वो जज्बा है जो उम्र भर प्यार के एहसास को ताजा रखता है, भले ही वो किसी के साथ रुखसत हो जाए मगर उसका प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है। जो महबूबा की खुशी के लिए परवाह रखता है वही वही सच्चा आशिक कहलाता है। समझा? और कुछ बोलूं? शर्म नहीं आती? प्यार मेरे से करते और बोलते इसको? मैंने सोचा अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। अब मेरे से प्यार करके मेरी शादी का इंतजार करते? कैसा प्यार है ये? हाँ हाँ मेरा प्यार यही है, तुम्हारा क्या है? मेरा क्या मालूम? तुमको नहीं मालूम मेरा प्यार क्या है? तुम्हारे दिल से पूछ लो। अरे मेरे दिल से क्या पूछना, तुम खुद बोल सकती ना। अरे नहीं बोल सकती तो फिर शादी के लिए हाँ कहीं को बोले? तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? हाँ, मुनीर ने कहा तुम किसी पोटी से प्यार करते हो और उसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे। मेरे को नहीं मालूम था वो पोटी मैं छू बोल के। साले मुनीर। और अब तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ, तुम मुझसे प्यार करते ना तो मेरे को बोलो। ये टकले को काई को बोल रहे, बोलो। तुम तो बोल सकती ना। मैं कैसा बोलूं? अरे तुम तो पुलिस वाली हो, इतना मारती हो, इतना चीखती हो, इतना चिल्लाती हो, इतनी छोटी बात नहीं बोल सकती क्या? प्यार के मामले में सब लड़कियां एक जैसे छोटी। पॉकेट मारने के वास्ते ये टकले से पंगा ले सकते मगर प्यार की बात नहीं बोल सकते। तुम नहीं बोल सकती क्या? तुम नहीं बोल सकते? तुम नहीं बोल सकते क्या? तुम बोल सकते ना? तुम भी बोल सकते ना? अरे तुम बोल सकते ना? तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारी लव स्टोरी। बोलते थे ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। अरे मैं कैसे बोलूं? मैं बोलना, तुम चोर है ना, तुम भी बोल सकते ना। अरे मैं कैसे बोलूं? शायद तुम्हें मैं पसंद ना हो। हाँ। और ऊपर से अम्मा की कसम भी थी। हाँ ये बात भी है, तो भी तुम बोल सकते। अरे तुम बोल सकते ना। अरे बोल सकते। कसम विसम छोड़ो, एक दूसरे को आई लव यू बोल दो। जी अम्मी, वो अब तुम्हारा क्या हाल है बाबू? मेरा कुछ भी नहीं है। लो शबू तब्बू। नहीं बोल रहे लोग। अच्छा ठीक है, दूल्हे मियाँ भी तैयार है सेहरे के साथ। नहीं, 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 नहीं। I love you. I love you too, madam. शेरू,
और तुम्हारे को क्या बाबू रुखा देके बुलाना दावत देके आ इधर अब जे मार अल्लू अम्मी कने आसी दुल्हन हैदराबादी के पास जाते मेरे को डर लग रहा अरे अरे अम्मा तुम आओ जा अम्मा अम्मा तुम मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरे को डर लग रहा अम्मा तुम मेरे साथ रहो ना मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अम्मा 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 दरवाजा खुला रखो अम्मा 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 ए पर वाले तू ही मुझे बचा जिंदगी में पहली स्वागत है मैडम मेरे को एनकाउंटर मत करो मुझे मत मारो अजी मैं आपको काई को मारूंगी सच्ची में आप पहले उठो उठिए उठिए तो फिर ये क्या है तुम स्वागत मनाने ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को ड्यूटी पे ऐसा दिख रहा मेरे को आप बोलते ना मेरे पे वर्दी अच्छी दिखती बोल के इस वास्ते यही पहन के आई हाँ बोला था मगर यहाँ पर नहीं सिर्फ ड्यूटी पर ऐसा तो क्या करूँ चेंज करके आऊँ अब चेंज करने की जरूरत नहीं है अब ऐसे ही मनाएंगे वो तो ठीक है अब इसको क्या करेंगे आपकी मर्जी हाँ इधर लो मैं इसको संभाल के रखती हैंड्स अप अरे गोली चल जाएंगी अरे अरे अम्मा गोली 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 क्या हो रही है तू परेशान ना हो रे आयशा है ना देख लेती उसके लिए तो ये सब आम खास है तू छोड़ अपने कुछ बात करेंगे तू परेशान मत हो देख लेती ना सही भी अरे सब लोग हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे बोल रहे तुम क्या की गंडी पेट जाएंगे बोल रहे अपने शहर में हनीमून मनाने का मजा ही कुछ और है अरे ये लोग कहीं के बीच में आ रहे छोड़ अरे आ रहा हूँ अरे छोड़ अरे छोड़ बख्शीश बिख्शीश कुछ भी नहीं अच्छा नहीं देता तो हमारे सरदार को बुलाना ही पड़ेगा सरदार क्या है माधुरी देखो सरदार शादी की बख्शीश नहीं दे रहे अरे चिकनी अब भी लेने नहीं दी अब शादी की बख्शीश भी नहीं देती क्या बख्शीश दे दे चला ला निकाल निकाल अजी दे दो ना दे तू नहीं तो मैं निकाल लूं अरे बुजुर्ग लोग सही बोले हजार झूठ बोल के एक शादी करो बोले तू क्या करा होते हुए शादी को रोक दिया इसलिए ऊपर वाले ने तेरे को शादी के काबिल ही नहीं रखा बख्शीश कहते भले ही बिरला बैगन में मिल जाए मगर पैसे वसूल करना नहीं छोड़ता मेरा मतलब नहीं छोड़ती और हमारे बच्चे को भी आके अच्छा नाचना समझे नाचेंगे पहले तुम लोग कैसे बताओ बोलने में भी शर्म आ रही है चल चल घंटी पे तो देर हो रही है पकड़ लेके बैठो नहीं तो दूल्हा गिरा दिया बोलते बाय फिर मिलेंगे पार्ट टू में घंटी पे आए तक कोई गाना तो लगाइए जरूर लगा तू बेगम सुनो